झटपट दुकान स्टोर बनाने से आपके स्टोर को हर घर तक ले जाने का। बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। अमेरिकी सोयाबीन वायदा में जोरदार तेजी देखने को मिली है। अमेरिकी सोयाबीन वायदा 35 महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। अमेरिका सोयाबीन वायदा अब तक $1,610 तक के कारोबार करते दिखाई दे चुका है। ज्यादा डिमांड और कम सप्लाई की चिंताओं के बीच सोयाबीन की कीमतों में तेजी आई है। यूएसडीए के अनुसार विपणन वर्ष 2021-22 में अमेरिका का सोया खल का उत्पादन 51.9 मिलियन एसटी आंका गया है, जो कि जनवरी के अनुमान से लगभग 4 लाख एसटी कम है। यूएसडीए के अनुसार सोया खल के एंडिंग स्टॉक में कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिला है। खाद्य तेल और तिलहनों की कीमतों पर नियंत्रण के लिए केंद्र ने राज्यों से जिंसों पर भंडारण की सीमा के आदेश को लागू करने को कहा है। केंद्र ने राज्यों से कहा है कि वह आपूर्ति श्रृंखला और व्यापार को बाधित किए बिना इस आदेश को लागू करें। विभिन्न दिशावर क्षेत्रों से अब धान चावल की मांग अधिक बढ़ने की वजह से चौतरफा तेजी आने लगी है। आगे और तेजी के ध्यान है। कल की तुलना में आज विभिन्न प्रकार के खाद्य तेलों में तेजी व मंदी का रुख बना रहा। बिक्री मजबूत निकलने की वजह से गेहूं, मक्का, बाजरा की कीमतों में तेजी का रुख बना रहा। बर्मा के स्थानीय बाजार में लेमन, अरहर और उड़द की कीमतों में $20 से $25 प्रति टन की गिरावट दर्ज की गई है, जिससे घरेलू बाजार में भी इनकी कीमत में मंदा आया है। व्यापारियों के अनुसार घरेलू बाजार में आयातकों को लेमन, अरहर के साथ ही उड़द FAQ एंड SQ की मौजूदा कीमतों में बिकवाली से घाटा उठाना पड़ रहा है। राइस मिलों की मांग बनी रहने से भारत के राज्य में लगातार तीसरे दिन धान की कीमतों में तेजी दर्ज की गई है। व्यापारियों के अनुसार चालू सीजन में बासमती धान खास करके पूसा 1509 और 1718 का उत्पादन अनुमान कम है, जबकि बासमती चावल में स्थानीय मांग के साथ ही निर्यातकों की मांग बनी हुई है। अमेरिका में महंगाई के आंकड़ों से पहले बुधवार को सोने चांदी में मजबूती दर्ज की गई है। बीते सत्र में विदेशी और घरेलू वायदा बाजार यानी कि MCX पर सोना चांदी मजबूती के साथ बंद हुआ। अमेरिकी महंगाई के आंकड़ों को देखते हुए बीते सत्र में सोना चांदी 2 हफ्ते की ऊंचाई पर पहुंच गया। मोटा अनाज में प्रमुख तौर पर मक्के को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर विभाग खरीद रहा है, लेकिन बाजार मूल्य अच्छे होने और पोल्ट्री फार्म में भी मांग होने के कारण अधिकांश मक्का खुले बाजार में बिकता रहा। मक्के की MSP 1870 रुपए प्रति क्विंटल और बाजारों में अभी ये 2000 के करीब बिक रहा है। केंद्र सरकार के वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में भले ही मोटा अनाज को ब्रांड बनाने के साथ ही 2023 को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया है, लेकिन मौजूदा हालत में देश के 28 राज्यों में से गुजरात समेत मात्र 3 राज्यों में केवल 1.96 लाख टन मोटा अनाज उपलब्ध है। 2 अन्य राज्य में महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश शामिल हैं। मध्य प्रदेश में किसानों को 0% ब्याज पर फसल ऋण दिया जा रहा है। वर्ष 2003-04 में कृषकों को खेती के लिए मात्र 1273 करोड़ का फसल ऋण मिला था। इस वर्ष किसानों को ₹14,000 से 488 करोड़ के ऋण उपलब्ध कराए जा चुके हैं। पिछले 2 वर्ष में किसानों को 26,000 करोड़ के ऋण 0% ब्याज पर दिए गए हैं। आपके प्रोडक्ट बेचने से आपकी सेल बढ़ाने तक बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।